पजल। बचपन में खिलौनों की दुकान में ना ये जिग्सॉ पजल देख के खरीदने का बड़ा मन करता था। पापा के सामने रो दो, 200 रुपए पॉकेट से निकालो और पजल लेके घर आ जाओ। ये स्टेप्स हम सब जानते हैं कि रोने से इमोशनल अत्याचार होगा, पैसे निकालने से भैया पजल देंगे और उसको हम घर लेके आएंगे। क्लास 12 के पहले स्कूल में लाइफ हमारी कुछ ऐसी होती है। हमें पता है कि क्लास 5 के बाद 6 आएगा, क्लास 8 के बाद 9 आएगा और क्लास 11 के बाद क्लास 12 आएगा। पर पजल का बॉक्स खोलने के बाद ही तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा पीस कहाँ पर लगने वाला है, और शायद थोड़ी देर बाद प्रोसेस समझना आके तुम फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से ये बोलो कि पजल खरीद के एक गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। क्लास 12 के बाद एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में पहली बार अपना दिमाग लगा दो कि हमें इसके बाद करना क्या है। 12th के बाद कोई 13 नहीं आने वाला। अपना दिमाग ना लगा के बहुत लोग इंजीनियरिंग ले लेते हैं, स्पेशली वो 10,50,000 बच्चे, और अपने आप से यही कहते हैं कि पजल खरीद के एक गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। देखो नरेटिव सिंपल है, तुम्हारी लाइफ अब शुरू होने वाली है और इसका कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। अपना पूरा बचपन तुमने अपने आप को जानने में टाइम नहीं दिया, तो घड़ी के रफ्तार से तुम्हारी जिंदगी अभी तक चल रही थी। सोचो इस बात को, अब तक तुम्हें लाइफ में जो भी बोला गया तुमने वो किया, पर अब लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जब तुम्हें लेना है 12th के बाद, तुम्हें नहीं लगता थोड़ा रुक कर दिमाग लगा के हमें ये डिसीजन लेना चाहिए? अब देखो, जो मैं ये एडवाइस अपने यंगर सेल्फ को देता हूं, उसे मैथ्स के फॉर्मूले जैसे रटने से पहले तुम एक बार केसेस समझो जहां पर ये अप्लाई होंगे, वरना जब गलत आंसर निकलेगा तब तुम मुझे ही आके गाली बकोगे कि आपने फॉर्मूला ही गलत बताया था। केस 1, तुमने जेई दिया, अच्छा रैंक नहीं आया। यूट्यूबर्स और पैकेज में 0 की मात्रा देख के तुम्हारे अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ने का पैशन तो जग गया, पर किसी अच्छे कॉलेज में अब तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम किसी XYZ प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना जिसका नाम बोलने से पहले तुम्हें अपना मुंह छुपाना पड़े, अरे वो हीट वेव्स है ना, इसलिए थोड़ा मुंह छुपा के रखना पड़ता है, देन तुम्हारे 4 साल शायद दुख दर्द और पीड़ा में बीते। तुम एक लर्निंग एटीट्यूड लेके तो जाओगे, पर एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड लेके वापस आओगे कि यहाँ से तो प्लेसमेंट भी नहीं लगती, इंटर्नशिप भी खुद ही ढूंढो, 75% अटेंडेंस के चोंचले भी अलग, लड़कियां भी नहीं है यहाँ तो। खैर लास्ट कंप्लेंट तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लॉन्डे के पास है, पर फॉर स्टूडेंट्स इन दिस केस मेरा एडवाइस यही रहेगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर सम रैंडम प्राइवेट XYZ कॉलेज, लुक आउट फॉर मॉडर्न एंड अपडेटेड ऑप्शंस लाइक द न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो मैं खुद एक NIT में पढ़ता हूँ और बाकी सारे IITs में भी सेम केस है, स्टूडेंट्स कॉलेज से नहीं बल्कि खुद से सीखते हैं। एंटिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ माई बैचमेट्स स्टिल हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, बट विथ न्यूअर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपडेटेड ऑप्शंस तुम्हें इंडस्ट्री में रहकर इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, एंड डोमेन लीडर्स के साथ रहकर यू विल गेट अ चांस टू गेट मेंटर, चांस नहीं मैंडेटरी होता है टू गेट मेंटर्ड। ट्रेडिशनल एजुकेशन डिसरप्ट होने वाला है, एंड किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करने से फार बेटर है टू लुक आउट फॉर दीज ऑप्शंस। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का 4 ईयर्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर, जहां पर यू जस्ट वोंट बी लर्निंग एनी टेक स्किल्स, वो तो कोई भी सिखा देगा। स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ऑन डिमांड स्किल्स, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। पर प्लेसमेंट्स का क्या? वेल न्यूटन स्कूल ने अभी तक 2,500+ बच्चों को मैंग जैसे टॉप कंपनीज में प्लेस कराया विद एन एवरेज CTC ऑफ 12 LP, और इनके एलम 64 लाख का पैकेज लेके गूगल में प्लेस्ड है, और उससे पहले एक 6 मंथ पेड मैंडेटरी इंटर्नशिप, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू गो टू इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप्स। इतने अच्छे स्टैटिस्टिक्स भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी नहीं होते, बिकॉज द रीजन इज सिंपल, यू लर्न मॉडर्न स्किल्स विच मैटर इन टूडेज वर्ल्ड। और अगर ये ऑप्शंस मेरे टाइम पे होते देन आई वुड हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ एंड गॉन फॉर देम, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लीज इन्हें यूटिलाइज करो। जेई में अगर अच्छी रैंक नहीं आई है किसी रैंडम प्राइवेट XYZ कॉलेज विदाउट एनी प्लेसमेंट असिस्टेंस के जाने से फार बेटर है कि यू लुक आउट फॉर ऑप्शंस लाइक दिस। कैंपस लाइफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, मेस इनके 25 एकड़ के लश ग्रीन कैंपस में टॉप नॉच तो है ही, और उसके साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी। For attending different workshops and the amount of exposure and experience this can provide you is truly unmatched, and all of this is included within their fee along with a MacBook Pro. और किसी एक student के लिए this whole program is going to be 100% scholarship. And you can be one of them. देखो मैंने बाकी सारी details about the Newton School of Technology description में दे ही दिया है. Just click on the first link, you will be redirected to their website and see what all they have to offer. क्योंकि I guess जिनका JEE में अच्छा rank नहीं आया उनके लिए इससे ज़्यादा better option हो नहीं सकता. थोड़ा hurry up करना because they have their NSAT entrance exam coming up on the 18th of June. So just click on the first link, apply for that and see what all they have to offer. Because किसी एक को आप में से full 100% scholarship भी मिल सकता है if you perform good going through my link. तो check it out, like it can literally change your life. प्रिविलेज, ये एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि शायद ना जान के भी तुम्हारे पास हो, पर किस बात का प्रिविलेज? सर के ऊपर छत, 2 दफा खाना या फिर पैर के नीचे चप्पल, अगर ये सब है तो बढ़िया, पर अगर फैमिली में फाइनेंसेस का प्रेशर और रिश्तेदारों की तानों से मुक्ति हो देन ये एडवाइस तुम्हारे लिए। जैसे कि मैंने कहा था, तुमने अपने आप को अभी तक वक्त दिया कहाँ है? गिव द टाइम टू योरसेल्फ आफ्टर क्लास 12, टेक अ ड्रॉप ईयर।
कॉलेज एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम अपने जिंदगी के 3 से 4 साल देने वाले होंगे और इसके बाद जॉब में यू विल बी प्रोबेबली गिविंग योर 40 इयर्स ऑफ लाइफ, तो अ 1 or 2 year गैप वोंट हर्ट मच, लाइक थिंक ऑफ इट इन द बिगर पिक्चर। सोचो जब एक सब्जी वाले भैया धनिया फ्री में देते हैं 5 किलो आलू खरीदने के बाद, ये कुछ वैसी वाली फीलिंग है। टेक एन ईयर ऑफ, नॉट टू स्टडी बट टू गो आउट देयर, एक्सप्लोर एंड नो योर सेल्फ, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। काफी फिल्मी साउंड कर रहा है आई नो, बट ट्रस्ट मी दिस इज समथिंग यू रियली नीड टू थिंक अबाउट। आई वॉन्ट लाइक, पेरेंट्स को समझाने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, पर मेरे दोस्त दिव्य ने भी कुछ ऐसा ही करा क्लास 12 के बाद। अपनी ट्रू कॉलिंग उसे पता नहीं थी तो उसने एक ईयर गैप लिया, मम्मी पापा को समझाया, एंड नाउ टूडे ही कैन अर्न मोर देन वॉट इज कॉलेज कुड हैव प्रोवाइडेड, या फिर उसके पास अभी इतने सारे जॉब ऑफर्स हो पक्के। एक काम करते उसी से ही पूछ लेते हैं। कैसा है भाई? बढ़िया भाई, बता तू कैसा है? बट भाई तूने ये सब करा कैसे के बिना ड्रॉप लेके? मतलब देख, इट वाज तो इजी फॉर मी, मेरे लिए इजी था, बिकॉज़ ऑनेस्टली मेरा ड्रॉप काफी फैक्टर पे डिपेंड किया है कि मैं किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरे पास क्या प्रिविलेज है, मेरे पेरेंट्स कितने कन्वीनियंट थे। अब प्लस मेरे पास ये भी एडवांटेज था कि मैं बचपन से हमेशा मेरा स्कोर डिसेंट रहा, मैं फेल नहीं हुआ। अगर तुम फेल हो गए तुम बोलोगे मेरे को ड्रॉप है, तो वो सेंस नहीं बनेगा भाई पेरेंट्स को। तो मेक श्योर कि यू हैव इनफ गुड क्रेडिबिलिटी एंड मार्क, और तुमने कुछ कांड नहीं किया हो जिंदगी कि पापा मैंने 12 साल पढ़ाई कर ली, अब मेरे को 1 साल ब्रेक लेने दो इन सब चीजों से, मेरे को 1 साल जहाँ मेरे को देने का मन है वहाँ देने दो, किताब साइड में रख लो। ड्रॉप लेके तूने करा क्या एग्जैक्टली पूरे 1 साल? यार मैं काफी शहर गया, मैं बैंगलोर गया, मैं तुझसे मिला, बिजनेस किया, मैंने कंपनी खड़ी की, 15 लोगों की टीम है, मैं काफी क्रिएटर से मिला, मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू की, वहां से मैं लोगों से कनेक्ट हुआ। ऑनेस्टली मैंने बहुत पैसे बनाए। कितने पैसे बनाए? अगर एक प्राइवेट कॉलेज की फीस है उससे ज्यादा पैसे बना लिए क्या? हाँ जी, मैंने वीडियो एडिटिंग एज अ स्किल पकड़ी थी सबसे पहले। अब अगर मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर हूँ, 1 महीने मैंने सीख लिया, मैं किसी भी क्रिएटर को पिच कर सकता हूँ। यू कंपाउंड ऑल द कनेक्ट्स। अब तू ये बता भाई, बिना कॉलेज के भी जॉब लग जाएगी क्या तेरी? भाई अगर तेरे में दम है तो लग जाएगी। तू ड्रॉप ले तो बड़ा प्लान ड्रॉप आउट होगी, तुझे करना क्या है उस जॉब में? बस बनाना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, कोई भी एक स्किल पकड़ो उसमें लग जाओ। एक साल देके देखो कहाँ तक पहुँचते हो। फिर 1 साल बाद तुम्हें कॉलेज जाना ही है, नहीं जा अगर उस तू जा रहा है क्या? भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। साल ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ। ये कब हुआ? मैंने 1 साल ड्रॉप ईयर लिया है भाई, कॉलेज से थोड़ी ड्रॉप आउट लिया मैंने। तो शायद अगर मैंने अपने टाइम पे एक ड्रॉप ईयर लिया हुआ था, देन आई वुड हैव बीन डूइंग आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स, नॉट इंजीनियरिंग। नंबर 1, अपने फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव आर्ट्स के न्यू फाउंड पैशन को और एक्सप्लोर करने के लिए आई वुड हैव बीन इन अ फिल्म स्कूल। और नंबर 2, अपने बिजनेस साइड एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइड को थोड़ा और निखारने के लिए आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम कॉल्ड IPMAT, जिसके थ्रू यू कैन डायरेक्टली परस्यू अ BBA प्लस MBA 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स एट द IIMs। मतलब BSc या फिर BTech के बाद वापस वो कैट की भसड़ नहीं रहेगी। इस 1 साल में शायद तुम अपना लाइफ फिगर आउट नहीं कर पाओगे, बट यू विल गेट रिच इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंसेस। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बदौलत तुम अपने आगे के डिसीजंस लोगे। देखो सिंपल है, अभी तक तुमने जो भी डिसीजन लिया है मेजरली आइदर तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला है, या तुम्हारे किसी दूर के रिश्तेदार ने वो चीज़ कर रखी, या दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, और तुमने वो चीज़ें करी है बिकॉज यू हैव हैड नो पर्सनल इनपुट्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो अगर तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है, देन गो आउट देयर, टेक अ ड्रॉप ईयर, नॉट टू स्टडी बट टू गो एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस, ताकि आगे जाके तुम जो डिसीजंस लो दे आर बैलेंस्ड एंड नॉट ड्रिवन बाई द सोसाइटी। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में बताऊँ तो, अगर टाइम नहीं है और 1 साल नहीं रुकना, पर तुम्हारा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तरफ जाने का, लेकिन JEE में अच्छे रैंक भी नहीं आए, देन एक्सप्लोर ऑप्शंस लाइक द न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, हैंड्स डाउन बेस्ट केस सिनेरियो होगा फॉर यू। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, चेक इट आउट। 15 जून को उनका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने वाला है, एंड किसी एक स्टूडेंट को 100% फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब फ्री में पढ़ाई होगी मेरे लिंक के थ्रू जाते हुए। सो चेक इट आउट, एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है और पेरेंट्स को भी मना सकते हो, देन जस्ट टेक अ ड्रॉप ईयर। उसे 1 साल में जितना हो सके एक्सप्लोर करो, एनरिच योरसेल्फ विद न्यू एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलो, बट एट द सेम टाइम एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज जिसमें तुम जा सकते हो। लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा क्रिएटिव आर्ट्स में पैशन है, देखो उसमें क्या फ्यूचर ऑप्शंस है, या फिर अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे को तो पीपल मैनेजमेंट में ही इंटरेस्ट है, देन वाई टू जस्ट गो फॉर अ BSc या BCom या फिर BTech देन एन MBA। जस्ट रूट फॉर एन IPMAT एंट्रेंस एग्जाम एंड डायरेक्टली गेट इन टू द IIMs फॉर द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बट ऑलवेज रिमेंबर, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जो भी डिसीजन लोगे अपने आप को बैक करना, क्योंकि समझ अभी नहीं आ रहा है ना, द डॉट्स विल ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स। बेस्ट ऑफ लक।